हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल के टॉपिक भूमि प्रदूषण के बारे में, जिसके अंदर हम अभी तक भूमि प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या हैं और विभिन्न स्रोतों से होने वाले भूमि प्रदूषण का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। हम दो टॉपिक्स के अंदर बात कर चुके हैं, यानी कृषि के लिए भूमि की कमी और जैव विविधता को होने वाला नुकसान। अब हम बात करेंगे भूमि प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। अब जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत थोड़े से एग्जांपल्स ही दिए गए हैं, कुछ चंद एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि सॉइल का पोल्यूशन किस तरीके से मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आर्सेनिक। हालाँकि आर्सेनिक जो होता है मिट्टी में कुछ मात्रा के अंदर पाया जाता है, नेचुरली मिट्टी का जो सॉइल का कंपोजिशन होता है उसमें कम मात्रा में आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉइल के पोल्यूशन की वजह से किसी भी इंडस्ट्री की वहाँ प्रेजेंट, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है या आर्सेनिक वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर एक्सप्लेंट के रूप में बाहर निकलता है, वो अगर वहाँ की मृदा में मिल जाता है तो मृदा में आर्सेनिक की मात्रा जो उसकी एक तरीके से एक्सेप्टेबल लिमिट होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस मृदा का उपयोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करने पर मनुष्यों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भूमि में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसमें अगर किसी तरह की फसल उगाई जाती है तो डेफिनेटली नेचुरल है कि वो आर्सेनिक प्लांट्स में आ जाएगा, और प्लांट्स जब उनका कंजम्पशन ह्यूमन करता है तो उसमें आर्सेनिक जो है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से पहुंचने वाला जो आर्सेनिक है वो मनुष्य में कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। जैसे कि कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर, कि एक तो भूख लगना कम हो सकती है, आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा अगर हम ज़्यादा लेते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट से तो जो भूख है वो ख़त्म होने लगती है, और वज़न जो है वो तेज़ी से कम होने लगता है, डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, और कभी कभी कब्ज़ भी हो सकती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिस्टर्बेंस है यानी पेट खराब होना जो है वो एक समस्या के रूप में उभर आता है। जो हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी लकवा मार सकता है। आँखों में कंजक्टिविटाइज हो सकता है, और कभी कभी तो स्किन कैंसर के केसेस भी देखे गए हैं। आर्सेनिक तो हम जानते ही हैं कि एक बहुत ख़तरनाक पॉइजन है, तो अगर सॉइल में आर्सेनिक की मात्रा एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है और वो उस ऐसी सॉइल के अंदर प्लांट्स उगाए जाते हैं और उन प्लांट्स के थ्रू उन प्लांट्स के कंजप्शन से अगर ये आर्सेनिक ह्यूमन के अंदर पहुँचता है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं उसको, भूख ना लगना, वज़न कम होना, दस्त लगना, कब्ज होना, पेट खराब होना, और कई केसेस के अंदर पेरिफेरल न्यूराइटिस भी देखा गया है और कंजक्टिवाइटिस भी देखा गया है, और साथ ही साथ स्किन कैंसर भी हो सकता है। दूसरा आता है कैडमियम। कैडमियम जो है बेसिकली यूज़ होता है माइनिंग इंडस्ट्री, मेटलर्जिक में, केमिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भारी मात्रा में कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जब जो वेस्ट कैडमियम होता है वो एक्सप्लेन के साथ फैक्ट्री से बाहर उसको फेंक दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो वह आसपास की जो खाली ज़मीन होता है वो पानी गंदा वहाँ छोड़ दिया जाता है, तो वो जो कैडमियम होता है वो उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में जो कैडमियम होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि क्रॉनिक पॉइजनिंग करता है, ख़ासतौर पर जो किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, और साथ ही साथ वहाँ किडनी स्टोन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेड। लेड जब होता है वो स्टोर बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और लेड पॉइजनिंग जो है वो मेंटल रिटार्डेशन यानी बेसिकली मानसिक रोग जो होते हैं या बुद्धि का विकास ना होना, मेंटल रिटार्डेशन, या फिर इवन कई केसेस के अंदर वो मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो लेड पॉइजनिंग होती है वो काफ़ी घातक होती है। यहाँ एक बात मेंशन करना ज़रूरी है कि सिर्फ स्टोरेज बैटरी नहीं, कई तरह के जो खिलौने होते हैं बच्चों के उसके अंदर भी, पहले अब तो नहीं, अब तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गई है, इन चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है, पर ख़ास तौर पे येलो कलर प्रोड्यूस करने के लिए लेड का इस्तेमाल खिलौनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। तो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री या खिलौना इंडस्ट्री होती थी वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लेड का इस्तेमाल करती थी, जिसके कारण बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन और इवन कई बच्चों में मृत्यु का कारण भी वो बना है। फिर
फिर आता है मर्करी। मर्करी बहुत तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है। और वेस्ट इफ्लुएंट को जब बाहर ऐसे ही बिना किसी तरह की रिसाइकलिंग या उसको ट्रीट किए बिना उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, तो वो जो मर्करी है सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जो सॉइल है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो कई तरह की जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मर्करी का टॉक्सिक इफेक्ट है वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, और साथ साथ जो किडनी है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो बेसिकली दो तरह के मर्करी के पॉइजनिंग से दो तरह के टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा देखे गए हैं, एक तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और दूसरी आती हैं रीनल ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर डैमेज हो जाता है, यानी किडनी डैमेज हो जाती है इसके अंदर। तो दोनों तरह के ही जो केसेस हैं वो देखे गए हैं। नेक्स्ट आता है साइनाइड। साइनाइड का नाम तो हम जानते हैं, सबने सुना है, पॉइजन के लिए साइनाइड सबसे ख़तरनाक पॉइजन जो है वो माना गया है। मेटल्स के हीट ट्रीटमेंट के अंदर जो साइनाइड का पोल्यूशन होता है या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो शॉप्स होती हैं वहाँ भी डिसमेंटलिंग के लिए साइनाइड जो है वो काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो साइनाइड है वो रिलीज़ होता है। अब साइनाइड जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ख़ासतौर पर सेलुलर रेस्पिरेशन को डायरेक्टली इनहिबिट करता है। हम जानते हैं कि पोटेशियम साइनाइड, जैसे आपने अक्सर नाटकों में और फिल्मों में भी देखा होगा कि जैसे ही पोटेशियम साइनाइड को टच किया जाता है जीभ से, उसी वक्त इमीडिएट डेथ हो जाती है। रीज़न ये है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है इनहिबिट करता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के इनहिबिट होते ही इमीडिएट डेथ जो होती है उसी सेलुलर रेस्पिरेशन के इनहिबिट होने के कारण होती है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक एक्सप्लोइंट के कारण या किसी भी तरीके के इंडस्ट्रीज़ के केमिकल्स के कारण, जब डिफरेंट टाइप के मेटल्स और नॉन मेटेलिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, इस लिस्ट में हमने सिर्फ थोड़े से ही एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आर्सेनिक हुआ, कैडमियम हुआ, लेड हुआ, मर्करी हुआ और साइनाइड। नेक्स्ट आता है दूषित भूजल। दूषित भूजल का मतलब क्या है? जब मृदा जो है वो प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है, तो उस मृदा के संपर्क में आने वाला जो जल होता है वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो जैसे मृदा का जल है या फिर जो पानी है, अगर मिट्टी कहीं की विषैली है या दूषित हो चुकी है, प्रदूषित है, वो उस मिट्टी के ऊपर से होकर जो पानी धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा, जल जब धीरे धीरे अवशोषित होता है मिट्टी से, तो वो अपने साथ नीचे की ओर जाते हुए मिट्टी में उपस्थित जो प्रदूषक तत्व होते हैं उनको भी ले जाता है, और भूजल के अंदर वो प्रदूषित पदार्थ जो होते हैं या फिर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो उस भूजल के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो भूमिगत जल है वो भी बुरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है, यानी मृदा का जो प्रदूषण है, वो किस तरीके से मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट डालता है, और साथ ही साथ मृदा प्रदूषण किस प्रकार से भूमिगत जल को भी प्रदूषित करता है, और इस भूमिगत जो प्रदूषित जल है उसके सेवन से कई तरह की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं।